एक समय नेहरू नगर के रहवासी वहां का जल स्तर कम होने की वजह से नगर पालिका निगम द्वारा गर्मियों के मौसम में टैंकरों से पानी मंगाने को मजबूर थे, परंतु उनकी सूझबूझ ने आज क्षेत्र की समस्या को खत्म कर दिया है और सभी के घर में भरपूर पानी उपलब्ध हो रहा है। साल दर साल गर्मियों के मौसम में तापमान बढ़ता जा रहा है, जिससे भिलाई शहर के भी कई इलाकों में कि वहां के हैंडपंप में भी पानी नहीं आता। ऐसा ही हाल एक समय में नेहरू नगर का भी हो चला था, परंतु वहां के जागरूक जनता ने खुद को संगठित कर इस गंभीर विषय पर चिंतन किया और अंततः इस नतीजे पर पहुंचे कि उन्हें खुद ही इस समस्या को निपटाने का समाधान निकालना पड़ेगा। जिसे देखते हुए नेहरू नगर स्थित बाल उद्यान में क्षेत्रवासियों ने दो सोखता पिट बना डाले, क्योंकि क्षेत्र का सारा पानी इस बाल उद्यान में जमा होता नजर आता था और तब से लेकर आज तक नेहरू नगर इलाके में भूजल स्तर काफ़ी बेहतर हो गया है और पानी की समस्या से निजात मिल गया है। इस इलाके में गर्मियों के दिनों में नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा टैंकरों से पानी सप्लाई किया जाता था, परंतु अब क्षेत्र के सभी घरों में पर्याप्त पानी उपलब्ध हो रहा है। नमस्कार, मैं बसंत चौबे, नेहरू नगर रेसिडेंट एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट। आज हम लोग नेहरू नगर कमर्शियल एरिए में जो हमारा छोटा पार्क है, उसमें जो हमारे द्वारा 8 साल पहले कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के सभी सदस्यों द्वारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए एक दो पिट बनाए गए थे, वो पिट फिर से रिचार्ज करने के लिए हम लोग उनको रेडी कर रहे हैं, क्योंकि पानी की एक ऐसी समस्या है जो 5-6 साल पहले 8 साल पहले यहाँ पर टैंकरों से पानी आता था, जिसके बाद हमने इस पार्क में ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग के पिट्स बनाए। उसके बाद से हमारे आसपास के जितने लोगों के घरों में पानी की समस्या थी वो काफ़ी हद तक हल हो गई है, पूर्णतः हल हो गई। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि हर मतलब मेरी कॉलोनी क्या पूरे भुलाई शहर के लोगों को रेन वाटर हार्वेस्टिंग की महत्व को समझना होगा। अगर हम लोग सब मिलके इस समस्या का निदान चाहते हैं, हम आने वाली पीढ़ी को ज़मीन में जल स्तर को संयोजित तरीके से छोड़ के जाएंगे, उसको करने के लिए हमको ज़रूर से ज़रूर रेन वाटर हार्वेस्टिंग को प्राथमिकता देनी ही पड़ेगी। हम सभी लोगों से ये अनुरोध करते हैं कि इसी तरीके की पहल करें, हर कॉलोनी वाला इंडिविजुअल भी लोग अपने घरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग जरूर कराएं, जरूर कराएं। ये हमारी तरफ से आप सबको अनुरोध है, कैच द रेन। मैं अपील करता हूं पूरे भिलाई वासियों से कि जिला प्रशासन द्वारा एवं नगर निगम के द्वारा जो एक मुहिम चलाई जा रही है कैच द रेन, इसमें अधिक से अधिक संख्या में सब लोग सम्मिलित हुए, पार्टिसिपेट करें और उसको फलीभूत करें। धन्यवाद। क्षेत्रवासियों ने आम जनमानस से अपील की है कि वह इस पानी की समस्या को गंभीरता से लेते हुए सभी लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अपनाएं और अपने आने वाली पीढ़ी को सूखी हुई धरती के बजाय पानी से भरी हुई धरती सौगात में देकर जाएं। ACN न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।